सारंगपुर में फर्जी प्रकरण दर्ज किए जाने को लेकर पत्रकारों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में पत्रकारों ने एसडीएम और एसडीओपी को ज्ञापन देकर एफआईआर से नाम हटाने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि 6 दिन में एफआईआर से नाम नहीं हटा तो सभी पत्रकार आंदोलन कर अपनी गिरफ्तारी देंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद कवरेज करने अस्पताल पत्रकार वहां पहुंचे थे। पत्रकारों के खिलाफ डॉक्टर रीता वशिष्ठ ने एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिसे लेकर पत्रकारों में नाराजगी देखी जा रही है। पूरा मामला यह है कि 15 जनवरी के दिन हमारे कुछ साथी कवरेज करने के लिए किसी मामले के लिए सारंगपुर अस्पताल गए थे। सिविल अस्पताल में जब ये पहुंचे तो उस समय वहाँ पे जो पीड़िता आई थी उसकी डिलीवरी के समय मौत हो गई थी, और उसी को लेकर डॉक्टर में और पीड़िता के परिवार के बीच में कुछ वाद विवाद चल रहा था। लेकिन जब पत्रकार वहाँ पहुँचे और उन्होंने बीच बचाव किया, इस बात से नाराज होकर महिला चिकित्सक द्वारा एक मनगढ़ंत आवेदन बनाकर उसके साथ में और हमारे साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को और अनुभागीय अधिकारी पुलिस एसडीपी साहब को कि उक्त मामले में शीघ्र कार्यवाही करते हुए ये खात्मे की कार्रवाई की जाए। ये मामला कुछ दिन पहले का है, इसमें एक प्रकरण दर्ज हुआ है नवीन रूनवाल जी के खिलाफ। तो उसमें एक महिला चिकित्सक जो वशिष्ठ मैडम थी, वो डिलीवरी रूम में महिला की डिलीवरी कर रही थी, तो उस समय उनका ये कहना था कि नवीन रूनवाल उसमें अंदर घुसाए, और इस आधार पर कि वो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, ऐसी मुकदमा दर्ज की हुआ है, उसकी विवेचना की जा रही है। आज जो ज्ञापन दिया है इस संबंध में विस्तृत जांच की जाएगी। अब इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके और व्यवस्था की जाएगी।